पिछले दिनों मसौढ़ी थाना अंतर्गत कररिया ग्राम में एक लड़की सामूहिक गैंगरेप के बाद उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। उसी हत्या के विरोध में मसौढ़ी की सड़कों पर 3 राजनीतिक संगठनों के द्वारा प्रतिरोध मार्च गांधी मैदान से लेकर तारीगना स्टेशन परिसर तक पहुंच गया है। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाया। लोगों का कहना था कि इस हत्याकांड में पुलिस एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके 3 आरोपियों की पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। मामला किस विरोध प्रदर्शन पिछले 8 अक्टूबर को इसी मसौढ़ी प्रखंड के कररिया गांव में, जब पूरा देश जो है दशहरे के मौके पर क्या मना रहा था, वहाँ जो है एक छात्रा जिसका उम्र 15 वर्ष था, वो गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई और हत्यारे को गिरफ्तार भी किया गया। यहाँ तक कि पहचान के लिए जो है डॉग स्क्वाड भी लाया गया था, उसके माध्यम से 4 लोग पकड़े भी गए थे। एक को काबू लेके लिए जेल भेजा गया है, 3 को बरी किया गया। निश्चित रूप से ये मामला जो है रफा दफा करने की प्रशासन की कोशिश है और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी लोग उसमें संलिप्त हैं उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये विरोध मार्च के माध्यम से हम तो आगाह करना चाहते हैं, अगर हमारी मांग मानी नहीं गई तो आगे और भी हम मैंने तीखा आंदोलन में जाएंगे। ये हम लोग का ये फैसला है।